नमस्कार दोस्तों, तो आज हम साइंस पढ़ेंगे जो मैं आपको एक इजी तरीके में पढ़ाऊंगा। तो देखिए, जो पहली लाइन आती है कि ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल, फूड प्रोवाइड देम द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस, वाइल प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड्स। इसका मतलब है कि जितने भी प्राणी हैं धरती पर, उन सब को खाने की ज़रूरत है ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो खुद का खाना बना सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो खुद का खाना नहीं बना सकते, जैसे ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल है प्लांट्स, हेटरोट्रॉप्स के एग्जांपल है जैसे कि आप देख सकते हो ये ह्यूमंस हो गए, मैमल्स हो गए, जितने भी फिश और बर्ड्स, ये सारे खुद का खाना नहीं बना सकते। तो फिर आगे लिखा है कि दे आर डिपेंडेड ऑन ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स वाइल सम ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। इसका मतलब है कि जितने भी जानवर है उनमें से कुछ तो घास फूस खा के अपना काम चलाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि कार्निवोरस हो गए, ओमनिवोर्स हो गए। तो ओमनिवोर्स एक ऐसा है जो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे लिखा है देर आर सम एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, यानी कि ओमनिवोर्स। वी ह्यूमंस डिपेंड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल फॉर फूड, हाउएवर मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स। इसका मतलब कि हम इंसान भी जानवरों के भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए और एनिमल के ऊपर भी। आधे से ज़्यादा खाना हमारा पेड़ पौधों से आता है। तो वो तो हो गया था, अब हम करेंगे क्रॉप्स। टू मीट द फूड डिमांड्स ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन वी नीड टू ग्रो प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप आर ग्रोन इन एन एरिया ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ नोन एज अ क्रॉप। इसका मतलब है कि पूरी पॉपुलेशन की डिमांड के लिए हमने प्लांट्स यानी क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया था लार्ज स्केल के ऊपर। जब प्लांट्स ऑफ सेम टाइप यानी सेम टाइप के क्रॉप्स एक जगह पर ग्रो होती है तो उसे क्रॉप कहते हैं। सो राइस इज़ अ क्रॉप refers to a large number of rice plants grown over an agriculture field. Rice, wheat, maize, sorghum, pearl, millet, soybean and potato are some of the common food crops grown around the world. यानी कि राइस जो जिसका मतलब है large number of rice plant जो grow होते एक agricultural field में, राइस वीट यानी कि चावल, आटा, मक्का, सोरगम, पेल मिल्ट, सोया और आलू, ये सारे कॉमन फूड है जो ग्रो होते हैं पूरी वर्ल्ड में। बताते हैं आपको टाइप्स ऑफ क्रॉप। द क्लाइमेटिक कंडीशन सच एज अ टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। दीज फैक्टर्स ऑन द सीजन अफेक्ट द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन अ पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द ईयर। इन इंडिया देयर आर ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स होती हैं द क्रॉप्स that are cultivated during the rainy season are called kharif crops in India. The kharif season is generally from September
जून टू सितंबर राइस, सोरगम, ज्वार, पर्ल मिलेट और बाजरा जो पर्ल मिलेट को कहते हैं, और मेस, सोया एसेट्रा, ये ग्रो करते हैं जून से लेकर सितंबर के मंथ में। तो अगला आता है रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स वो आर द क्रॉप्स कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। इन इंडिया द रबी सीजन इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। वीट, बार्ले, ओट, पी, ग्राम एसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ द रबी क्रॉप्स। वीट इज अ मेजर रबी क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। तो इसका मतलब है कि रबी क्रॉप्स ठंड में उगाए जाते हैं जो अक्टूबर से मार्च तक होता है, जैसे कि वीट, बार्ले, ओट, पी एसेट्रा। और वीट एक ऐसा मेजर क्रॉप है जो इंडिया में ग्रो किया जाता है। तो आपका शुक्रिया अगर आपने ये वीडियो देखी हो। तो इसका आगे का पाठ हम अगले थोड़े से दिन में भेजेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू।